भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में जाकर बसे, जो कि द्वारिका सोने की नगरी है, समुद्र के बीच में बसी है। कुंडनपुर के नरेश भीष्मक, उनकी पुत्री रुक्मणी, उन्होंने एक दिन संत के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चित्र का अवलोकन किया, दर्शन किया, और उस चित्र का दर्शन कर लेने के बाद उनके मन में ये भाव आया कि मुझे विवाह करना है तो सर्वेश्वर कृष्ण से करना है और किसी से विवाह नहीं करूंगा। जब रुक्मणी के मन में ये भाव आया तो रुक्मणी का भाई रुक्मी उनको मना करता है, नहीं, मैं कृष्ण के साथ तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगा। आप एक बात समझ लीजिए, जब जब हम भगवान की तरफ कदम बढ़ाते हैं, ये दुनिया वाले कहीं ना कहीं हमको रोक लेते हैं और हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। लेकिन सच्चा भक्त वही है जो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। जब भक्ति करने निकलता है तो बस आगे निकलता ही चला जाता है, चलता ही चला जाता है, चलता ही चला जाता है। जो रुक गया किसी के रोक देने पर, वो सच्चा भक्त नहीं हो सकता मेरे भाई बहन। सच्चा भक्त वही है, चले वेती, हमेशा चलता रहे। रुक्मणी चाहती है उनका विवाह हो जाए, शिशुपाल के साथ में चाहता है उनका भाई कि उनका विवाह हो जाए। रुक्मी ने शिशुपाल को दूल्हा बनाकर बुलवा लिया और रुक्मणी ने एक पत्र भेजा है सर्वेश्वर कृष्ण के पास, आओ और आप इस दासी को अपनी दासी बनाकर ले जाओ। बहुत से लोग कहते हैं जिनकी बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो उनकी माँ बाप को एक चिंता होती है कि हमारी बेटी को कैसा घर मिलेगा, कैसा बर मिलेगा। किन किन को चिंता है अपनी बेटियों के लिए, जरा बताइए, उपाय बताता हूं। अरे जिनको है टेंशन क्या बात की, उठा दो हाथ, मैं उपाय बता दूंगा। जिनकी बेटी जवान हो गई हो, जिनको घर भर की तलाश हो, हाथ उठाई, अरे सर में टाटा कर रहे हो क्या, ऊपर करो। जिसको चिंता है, नहीं तो मत करो। वाह साहब, चिंता तो होती है जब बेटी बड़ी हो जाती है, तो अपनी बेटी से कहिए वो गौरी जी की इन पंक्तियों का पाठ किया करे। ये जब सीता जी ने राम जी से मिलने के बाद जो पूजन किया था गौरी माँ का, वो पंक्तियां आप भी गुनगुनाया करिए। अगर वो बेटी इनका पाठ करेगी तो उनको जल्दी से अच्छा घर, अच्छा बर, अब फिलहाल तो मिली जाए, शादी तो हो जाएगी, बाद में वो घर बर क्या करेंगे वो तो बाद की बात है। अब घर तो अच्छा देख लेते हैं, बर को अच्छा कैसे पता लगेगी ये बर अच्छा है, पता लगेगा? अब बर का कोई वो कौन सी ग्राफी होती है जो इंटरनली पता चल जाए, वो लेनी चाहिए साथ में सर्टिफिकेट, ये हाँ ठीक है अंदर से भी, लेकिन वो हो नहीं सकता ना। तो इसलिए सीता माँ प्रार्थना करती हैं, जय जय गेरे वर राज किशोरी, जय जय गेरे वर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, नहीं तुम आदे मध्य अवसाना, नहीं तो दे मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, सदा उरपुर सभी के, बसो सदा उरपुर सभी के, कीनेहु प्रगट न कारण तेरी, कीनेहु प्रगट कारण तेरी, अस कहि चरण बहे बैदेही, अस कहि चरण कहे बैदे। इन पंक्तियों का पाठ अपनी बेटी से करवाइए, गौरी जी का पूजन करवाइए, गौरी जी का व्रत रखवाइए। हमको लगता है आपकी बेटियों को अच्छा घर बार मिलेगा, ऐसा रामायण का थोड़ा सा मानना है, सभी संतों का मानना है। गौरी जी का पूजन किया, गौरी जी का पूजन करके रुक्मणी मामा मांगती है, गोरा नहीं चाहिए, सांवरा चाहिए। हम लोग अपनी बेटी के लिए बर ढूंढने जाते, कैसा लड़का ढूंढते हैं, गोरा सा होना चाहिए, स्मार्ट सा होना चाहिए, चाहे खूब रात में दो दो बोतल खाली कर दे, निकम्मा बेशरम, चाहे पूरी दो बोतल ने चढ़ा जाए, पर गोरा होना चाहिए। मुख जिनके उजले मन उनके काले, याद रखना,
गुलाई पे मत जाओ, जलने के बाद गोरे और काले सब एक जैसे आ जाएंगे। एक गोरे की चिता जलाओ, एक काले की चिता जलाओ, जलाने के बाद दोनों की राख इकट्ठी करो और दोनों पे क्रीम लगाओ और पूछो गोरे की कौन सी और काले की कौन सी है। तनो ब्यूटीफुल ना हो तो कोई बात नहीं मेरे भाई बहन, जब वर ढूंढने जाओ तो उस वर में ढूंढना उसका मन ब्यूटीफुल होना चाहिए, उसका मन सुंदर होना चाहिए, मन सुंदर होना चाहिए। लड़का ढूंढने जाओ तो मन अच्छा हो। तो आइए, देर हो रही है, कन्हैया जी पहुंच गए, ये गौरी जी का पूजन कर रही थी, कन्हैया जी मंदिर में ही पहुंचे और रुक्मणी जी को उठाया और उठा के चलते बने, और जो रुक्मणी जी को देख रहे हैं ना वो लोग, कितनी सुंदर है। सुनना ध्यान से, दो मिनट सुनना, बहुत गजब का प्रसंग है। सुनना हुआ क्या था, जब कन्हैया रुक्मणी जी जब मंदिर से बाहर आई, सब लोग कहने लगे देखो तो सही कितनी सुंदर है, एक एक करके सीढ़ी उतर रही है। दूसरे लोग बोले, जो सैनिक खड़े थे ना वहां देखभाल के लिए, वो कह रहे देखो चाल कितनी सुंदर है। इतने में कन्हैया आए, गोद में उठाकर चल दिए। तीसरा बोला देख तो सही किसी की गोद में जाती हूँ, कितनी सुंदर लग रही है। अब गोद कोई नहीं देख रहा है, जाती हूँ सुंदर लग रही, बस कन्हैया ने रथ में बैठा ला, हाय देख तो सही रथ कितना सुंदर है, अरे घोड़े देख कितने सुंदर है, ये सब भूल गए मेरे प्यारे। जो सुंदर होते हैं ना उनकी हर एक वस्तु बड़ी सुंदर होती है, हर एक वस्तु। और ये कोई दुनिया की सुंदरता थोड़ी है, जो एक वस्तु सुंदर होगी दूसरी वस्तु सुंदर नहीं होगी, अरे ये तो दुनिया बनाने वाला है, इसकी हर एक वस्तु सुंदर होती है मेरे भाई बहन, हर एक वस्तु सुंदर होती है। और कन्हैया आए, रुक्मणी जी को लेकर चले गए, पता चला ले गए तो शिष्य रुक्मी गया, बलराम जी महाराज ने उसको हरा दिया।